हिमाचल प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए, महिला आरक्षण में ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि चार राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले यह आरक्षण लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में महिला हितैषी होने का दावा करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। इन्हीं मुद्दों को लेकर 29 जुलाई को महिलाएं जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना देने जा रही। 29 तारीख को पूरे भारतवर्ष में इन इशू को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा को लेकर जंतर मंतर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी अलका लांबा जी के नेतृत्व में पूरे देश की महिलाएं वहां पर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने जा रही है और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो चाहे महिला सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर या फिर 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए उन पर मौन धारण किए हुए बैठी हुई हैं। और सरकार से हम मांग करते हैं कि तुरंत जो हमने यहाँ पर मांग उठाई है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए।